हेलो फ्रेंड्स, एनएलयू जोधपुर एक सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर कर रही है एनुअल राइट लॉज के ऊपर। इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 12 to 21 November 2017। तो इसे देख लेते हैं। इसमें ये कोऑर्डिनेटिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है। मैं इसका लिंक, जो ये कोर्स है इसका जो लिंक इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो मैं कमेंट बॉक्स में मैं टाइप कर दूंगा, और आप चाहे तो वहाँ से लिंक को के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और इन चीज़ों को आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर अब देख लेते हैं इसको, इस प्रोडक्ट जो इन्होंने ये प्रोस्पेक्टस इशू करा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग। कोर्स गोल्स: इंडिया इज अ होम ऑफ द सेवरल रिलीजियस एंड द सोशल ट्रेडिशंस, एडवोकेटिंग नॉन वायलेंस एंड द कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव अ वेरी गुड लीगल फ्रेमवर्क टू इंश्योर द एनिमल वेलफेयर एंड इज रेटेड सी ऑन द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स विच इज हायर दैन सम ऑफ द डेवलप्ड नेशन सच एज द USA एंड क्वाइट हाई इन कंपेरिजन टू द अदर एशियन काउंटर पार्ट। इंडिया इज ऑल्सो ब्लेस्ड विद अ डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, सेकेंड ओनली प्रोबेबली टू African nation, which makes the conservation and protection of the animals a key issue for our nation. In this course, our focus will be on the laws that affect non-human animals, including the companion animals, animals used for the entertainment purposes, animals used in scientific experiment, and worldwide. The course will deal with the questions such as whether animal enjoy the right guaranteed under the constitution, what role does culture and the belief play in this area, can animals own property, what are the barriers to increase protection for animals. The course will focus mainly on Indian law but will also include the significant attention to international law and the laws in Switzerland, UK and New Zealand, as they have a very comprehensive legal regime to ensure animal rights and welfare and may guide us towards a better animal right regime. तो कोर्स का जो इन्होंने सिलेबस दे रखा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। मॉड्यूल 1, इंट्रोडक्शन टू एनिमल राइट लॉज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स एज सेंटिमेंट being sentient beings. Do animals have rights? Animal rights advocacy: a background, theories regarding animal rights, role of culture as belief in animal welfare. Phir module 2 hai, legislative framework, international instruments, the role of international organization, provisions in the constitution of India 1950, legislative framework in India for the protection and welfare of animals, comprehensive provisions in United Kingdom, comparative provisions in Switzerland, comparative provisions in New Zealand. फिर उसके बाद में module 3, key legal issue, cruelty towards the animals, experiments on the animals, testing of medical as cosmetic products on animals. फिर इसके बाद में फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, ट्रेडिंग इन एनिमल प्रोडक्ट्स, लेदर, फर, आइवरी एक्सेट्रा, इलीगल स्मगलिंग ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल ब्रीडिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, गैस्ट्रेशन, केट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, पेट शॉप्स एंड एक्वेरियम्स, एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट, कैन एनिमल्स ओन प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में रीडिंग के रिगार्डिंग है, अ डिटेल्ड रीडिंग लिस्ट एंड द मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर एवरी मॉड्यूल। स्टडी मटेरियल एनएलयू जोधपुर खुद ही प्रोवाइड करेगी। फिर उसके बाद में लेक्चर्स, द लेक्चर विल बी कंडक्टेड बिटवीन 10 AM टू 12 PM एंड फ्रॉम 1 PM टू 2 PM बाई द एक्सपर्ट फैकल्टी एंड एमिनेंट पर्सन्स इन द फील्ड। तो लेक्चर्स लगेंगे, टाइमिंग दे रखी है, बीच में एक ब्रेक भी मिलेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट हैं,
रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी अक्टूबर 25, 2017 को, रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगी नवंबर 10, 2017। और एकोमोडेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 10 नवंबर 2017 से पहले बताना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो है एक्सटर्नल पार्टिसिपेंट जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10,000, और इंटरनल पार्टिसिपेंट जो कि NLU जोधपुर के मेंबर है उनके लिए 7,000 है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पेमेंट, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं यहीं से ही और रजिस्टर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये बता रखा है कि NLU जोधपुर कैसे पहुँचना, आपको बाई एयर या फिर बस से या फिर ट्रेन से कैसे पहुँच सकते हैं। और एकोमोडेशन के लिए इन्होंने बताया हुआ है, एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिक्वेस्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑन एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी चार्जेस। देयर आर मैनी गुड फेयर प्राइस लॉजेस अवेलेबल नियर बाई द कैंपस। इन्होंने बता रखा है कि अगर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ये, और इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे आपके अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो, और जो मैस चार्जेज होंगे वो ये सब सेपरेट होंगे कोर्स की फीस से अलग, और अगर आप चाहें तो बाहर भी स्टे कर सकते हैं। फिर इन्होंने ये घूमने फिरने के बारे में बताया कि जोधपुर में घूमने फिरने की जगह भी है, तो मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगा, और आप चाहें तो उसके ऊपर क्लिक करके और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको तभी की तभी मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।